देश मना रहा है आज 71वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री ने भविष्य के नए भारत की परिकल्पना की। छत्तीसगढ़ में भी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है आजादी का जश्न। मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ बना रहा है देश में अपनी अलग पहचान। पुलिसकर्मियों को किया गया वीरता पदक से अलंकृत। और दुर्गम इलाकों के साथ ही माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी सीआरपीएफ के जवानों का है बुलंद हौसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। पूरा देश आज 71वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के नए भारत की परिकल्पना की। श्री मोदी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में लोगों से नए भारत के निर्माण में भागीदारी देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की 70वीं वर्षगांठ पर 125 करोड़ देशवासियों से नए भारत के निर्माण में प्राण प्राण से जुट जाने का आह्वान किया। न्यू इंडिया जो सुरक्षित हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, न्यू इंडिया जहां भी हर किसी को समान अवसर उपलब्ध हो, न्यू इंडिया आधुनिक विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारत का विश्व में दबदबा हो। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि नए भारत में आवश्यकता है समूचा तंत्र लोक भावनाओं का प्रतिबिंब दिखे। हमने लोकतंत्र को मत पत्र तक सीमित कर दिया है। लोकतंत्र मत पत्र तक सीमित नहीं हो सकता है और इसलिए हम न्यू इंडिया में उस लोकतंत्र का बल देना चाहते हैं जिसमें तंत्र से लोक नहीं लेकिन लोगों से तंत्र चले। प्रधानमंत्री ने नए भारत के निर्माण में तरुणाई की अंगड़ाई और युवा शक्ति के सम्मेलन से एक समावेशी भारत निर्माण का आह्वान किया। 21वीं शताब्दी में जन्मे हुए नौजवानों के लिए ये वर्ष उनके जीवन का निर्णायक वर्ष है। वो 18 साल के जब जब होंगे वो 21वीं सदी के भाग्य विधाता होने वाले। भारत छोड़ो आंदोलन के 75वें वर्ष के इस स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री ने जातिवाद संप्रदायवाद को समाप्त कर नए भारत जोड़ो का नया नारा दिया। हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति, हमारा सामूहिक पुरुषार्थ, हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता उन महान देश भक्तों को याद करते हुए परिश्रम की पराकाष्ठा 2022 में आजादी के दीवानों के सपनों के अनुरूप भारत बनाने के लिए काम आ सकती है और इसलिए न्यू इंडिया का एक संकल्प लेकर के हमें देश को आगे बढ़ाना है। लाल किले की प्राचीर से ये महज भाषण नहीं राष्ट्र निर्माण का महायज्ञ था जिसमें सबल भारत, सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत, स्वावलंबी भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के पड़ावों से गुजरते हुए
जगत गुरु भारत की प्राण प्रतिष्ठा की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इधर प्रदेश में भी आजादी का जश्न जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में हुए मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ध्वजारोहण किया। डॉक्टर सिंह ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। उन्होंने खुले वाहन में परेड का निरीक्षण किया और आम जनता का अभिवादन किया। संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ अपने नए प्रयोगों और जनहितकारी विकास योजनाओं के कारण एक आदर्श राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। डॉक्टर सिंह ने राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। सौर सुजला योजना के तहत 51,000 सोलर पंप देने की योजना सरकार ने बनाई है, जिसके तहत 12,000 से ज्यादा किसानों को यह सुविधा आज तक दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। करीब 2016 में 14 लाख से अधिक किसानों के 23 लाख हेक्टर क्षेत्र को बीमित किया गया है, जिसमें से 95,000 किसानों को बीमा दावे के रूप में 126 करोड़ की राशि का भुगतान आज तक किया जा चुका है। पर्याप्त सिंचाई सुविधा देने के लिए सिंचित रकबा 32 लाख हेक्टर करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 20,52,000 हेक्टर सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी 5 संभागीय मुख्यालयों में सांस्कृतिक, सामुदायिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने प्रदेशवासियों से भारत को स्वच्छ, गरीबी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त और संप्रदायवाद मुक्त बनाने का आह्वान किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद? सुनाइए, इधर आप, इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। तो साबुन से हाथ धो लीजिएगा। के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3:10 खबरें। स्वतंत्रता दिवस की 71वीं वर्षगांठ पर कोरिया जिले में भी अनेक आयोजन हुए। मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड की सलामी ली और अपने संबोधन में लोगों से स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने की अपील की। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने शारीरिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राजनांदगांव में भी जिला प्रशासन के कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस मौके पर जगह जगह तिरंगा फहराया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए देशभक्ति की अलख जगाई गई। इसके अलावा बिलासपुर में भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुनील सिंह सोइन ने तिरंगा फहराया।
उन्होंने परेड की सलामी भी ली। इस अवसर पर आरपीएफ, स्काउट गाइड और एनसीसी के कैडेटों ने मार्च पास्ट किया। वहीं स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण मंत्री केदार कश्यप ने जगदलपुर में अमर जवान ज्योति स्थल पहुंचकर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित किया। इस अवसर पर सांसद दिनेश कश्यप और वन विकास निगम के अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित थे। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में शुद्धिकरण के लिए ईआरओ नेट शुरू की है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि इस व्यवस्था के शुरू होने से अब आम नागरिक नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन करने का कार्य ऑनलाइन करा सकेंगे। इसके तहत डाटाबेस को राष्ट्रीय स्तर पर सुव्यवस्थित करने का कार्य भी किया जाएगा। राज्य में भाजपा सरकार के 5000 दिन पूरे होने के परिप्रेक्ष्य में दुर्ग में स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाई। इस मानव श्रृंखला के जरिए बच्चों ने लोगों को सुशासन, स्वच्छता के साथ ही बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और महिला बाल विकास मंत्री रमशीला साहू भी उपस्थित थीं। बीजापुर जिला चिकित्सालय का चयन राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए हुआ है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अयाज तंबोली ने अस्पताल की उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्र में स्थित ये जिला अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सकों और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा के चलते अलग पहचान बना चुका है। बस्तर जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5000 घरेलू गैस कनेक्शन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5000 एलईडी बल्ब हितग्राहियों को वितरित किया गया। आयोजित समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर तेज गति से विकास कर रहा है। कार्यक्रम में जिला और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राजनांदगांव और परमालकसा रेलवे स्टेशन के बीच ओएसडी लाइन में खराबी आने की वजह से कल करीब 6 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। बिलासपुर से तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर सुधार कार्य किया। इसके बाद ही ट्रेनें अपने निर्धारित स्टेशन के लिए रवाना हो सकी। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा नगर पंचायत स्थित वार्ड क्रमांक 4 और 5 में डायरिया फैलने का समाचार मिला है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इलाज की समुचित व्यवस्था की है। बताया जाता है कि दोनों ही वार्डों में करीब 50 से अधिक लोग बीमार हैं। वहीं निजी और सरकारी अस्पतालों में भी डायरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब कुछ खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस समारोह में आज पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पदक अलंकरण समारोह में जवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, भारतीय पुलिस पदक और गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक वितरित किए गए। डॉक्टर सिंह ने शहीद जवानों की वीरता का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। देश की आजादी को बरकरार रखने में सीआरपीएफ के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये वीर जवान मुश्किल और दुर्गम इलाकों में भी देशवासियों को सुरक्षा देने के लिए डटे रहते हैं। इन जवानों के हौसले और जज्बे पर पेश है एक रिपोर्ट। जानेंगे कि क्या है हालात, क्या स्थितियां हैं। ये गोपी जी हैं, कंपनी कमांडर हैं। 3 दिन यहाँ रहने के दौरान इनसे बहुत कुछ बातें। गोपी जी, आप ही बताइए कि आज आजादी का जब हम जश्न मना रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं तब जबकि नक्सलियों से लड़ रहे हैं लगातार? सर, हम देश का सेवा कर रहे हैं सर। जब भी हम नक्सलिंग को जब भी मार देते हैं तो वुमन राइट्स वाला आते हैं, वुमन राइट्स हमारे ऊपर एलिगेशन करते हैं। तो हमारे लिए वुमन राइट्स नहीं है क्या सर? यही हम ये कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं है क्या वुमन राइट्स? बड़ा सवाल है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सामने जब दुश्मन होता है तो क्या मन में आता है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, सीआरपीएफ जय, सीआरपीएफ जय। जैसे सर बीजापुर से यंगलूर तक हमारा एरिया है, जो भी इस गांव में, जो भी हमारे और है, इसमें जो भी मतलब गांव है, उनके लोगों के लिए हमारे 85 सीआरपीएफ के दरवाजे खुले हैं। अगर वो मदद लेना चाहते हैं हमसे तो जरूर मदद ले और हमारा साथ दे, सहयोग दे। और जो लोग हमें धोखे से मतलब धोखा देते हैं हमारे साथ, उनके साथ वैसी भी हम लड़ाई करने के लिए तैयार है। भारत माता की जय। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप लोग जंगल में जिन हालात में काम करते हैं, बहुत संक्षिप्त में आप बताइएगा कि कैसे हालात में आप काम करते हैं? जंगल के हालात, दुर्गम परिस्थितियां, वहां पर सांप बिच्छू ऐसे ऐसे जानवर की अगर हम लोग काट लें तो शायद वैसी दवाइयां भी ना मिले, लेकिन फिर भी हम डटे रहते हैं और बस
सरकार को और जनता को हम पे विश्वास करना है, हम उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे और लगातार इसी देश सेवा करते रहेंगे। देखो यही जोश और जज्बा है नीलम, एक और जवान है उनसे भी बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे क्योंकि आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, क्या है मन में क्योंकि आजादी के रक्षक तो आप ही हैं। जी बात अगर रक्षक की जाए तो इसे शुरू से ही रहा है कि भारत देश कभी शहादत से पीछे नहीं हटा है और आज 15 अगस्त के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ न कहकर दो लाइनें कहना चाहूंगा कि बड़ा बलिदान देकर यह धरती आकाश पाया है, बड़ा बलिदान देकर यह धरती आकाश पाया है, उतरा इंग्लिश जैक तिरंगा फर फराया है, छलनी करेंगे छातियां यदि आंच आई आन पर, बच्चा बच्चा मर मिटेगा अपने हिंदुस्तान पर। यह मैसेज उन लोगों के लिए है जो हमारे देश के दुश्मन है, जो सीआरपीएफ के दुश्मन है, जो आर्मी और सेना पैरामिलिट्री के जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये मेरा मैसेज खास तौर पर उन लोगों के लिए है। बिल्कुल नहीं जो। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार।